भारत देश का अपने समय का सबसे उन्नत शहर ग्वालियर, जहां पर हमेशा इंडस्ट्रीज ने उन्नति ही देखी, और अचानक कुछ समय पहले से ही, कुछ साल पहले से ही वहां ऐसा क्या हुआ जो कि इंडस्ट्रीज गिरती चली गई, उद्योग खत्म होने लगे। वो शहर जहां पर बिरला जी ने आज से 80 साल पहले बनाया था बिरला नगर, और उन्हीं की खुद की इंडस्ट्री ग्रैसिम्स, उसका ऐसा हाल हो गया कि वो इतने बड़े नुकसान में जाने लगी और बंद होने के कगार पे आ गई। तो ये क्या वास्तु दोष है या उस शहर की, उस क्षेत्र की अपनी ग्रहों की कमी है, या वहां पर कुछ ऐसी बिल्डिंग्स बनी या ऐसे मंदिर बन गया जिसकी वजह से वहां पर इंडस्ट्रीज को नुकसान होना शुरू हो गया। जी, मेरे सभी साथियों को मेरा आत्मिक नमन। मेरा नाम आचार्य विवेक पंत तत्व। मैं आपको एक और बात बताता हूं कि किस प्रकार इंदौर जैसा एक शहर, जो कि आज से 40 साल पहले वहां कुछ भी नहीं था, लेकिन आज वो एक बहुत ही समृद्ध और उन्नत शहर है। वहां पर अच्छी इंडस्ट्रीज आई हैं, उन्नति वहां पर इतनी है कि लोग धन कमा रहे हैं, अच्छा धनाढ्य होते जा रहे हैं। ऐसा क्या हुआ ग्वालियर में, ऐसा क्या हुआ इंदौर में जिसकी वजह से वहां पर इतनी परेशानी है ग्वालियर में और इंदौर में इतनी समृद्धता आ गई है? यह सब और कुछ नहीं, ऊर्जाओं का, एनर्जीज का डिसबैलेंस होना है। वो एनर्जीज जो आपस में एक हार्मोनी में रहनी चाहिए, कोऑर्डिनेशन में रहनी चाहिए, कहीं ना कहीं ग्वालियर में डिसबैलेंस है और इंदौर जैसे शहर में आपस में एक हार्मोनी में है, जिससे कि वो शहर उन्नति की ओर आगे बढ़ रहा है। साथियों, आप समझिए, इसी प्रकार की चीजें हमारे अपने घरों में भी होती हैं। कुछ लोग समृद्ध होने के बावजूद उनका धन कम होता जा रहा है और वो नीचे की ओर गिर रहे हैं। जी हाँ, ऊर्जा का आपस में कोऑर्डिनेशन, एनर्जी का आपस में हार्मोनी में रहना अगर नहीं है तो वो हमें कहीं ना कहीं परेशानियों को लेके आता है। इसी विषय पर हम एक कार्यक्रम लेके आ रहे हैं जिसका नाम है पंच तत्व। पंच तत्व, हमारे उन पंच तत्वों से मिलने वाली ऊर्जा हमारे घर को, हमारे जीवन को किस प्रकार हमारे साथ रहनी चाहिए, कैसे वो हार्मनी में रहे, कैसे उसे चैनलाइज करें, उसकी छोटी छोटी बारीकियां, छोटी छोटी चीजें मैं आपको बताऊंगा, जिससे कि आपको ना तो तोड़फोड़ करने की जरूरत है ना ही कुछ बदलने की जरूरत है। बस वो छोटी छोटी चीजें कीजिए और अपने घर में नई ऊर्जा और उत्साह का आनंद लीजिए। और चाहत हमारी यही है कि उन छोटी छोटी चीजों को अपनाकर हमारा देश उन्नत हो, हमारे देश का हर परिवार उन्नत हो, हर व्यक्ति उन्नति की ओर आगे जाए। साथियों, ये कार्यक्रम हम दिल्ली दूरदर्शन पे लेके आ रहे हैं और आप अपनी परेशानियों के लिए इन नंबर्स पे डायल करके डायरेक्टली मुझसे संपर्क कर सकते हैं और अपनी परेशानियों का हल ले सकते हैं। और जब ये आप वीडियो देख रहे हैं उस समय भी आप इन नंबर्स पे डायल करके, संपर्क करके, मुझसे बात करके अपनी परेशानी का हल ले सकते हैं। तो मिलते हैं जल्द ही अपने कार्यक्रम पंच तत्व में।